देश दुनिया में लाखों करोड़ों चाय के दुकान है जिसकी चर्चा खूब होती रहती है। उसी चाय दुकान का एक हिस्सा होता है जिस चाय दुकान के नाम को रखकर चर्चा में आ जाते हैं। बिहार के पूर्णिया में है और ये बनमनखी है और एक चाय दुकान की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है और उसी चाय दुकान पे है। हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं बहन चाय बना रही है, लेकिन इनके चाय की दुकान का नाम बड़ा फेमस है, बड़ा प्यारा है और इस नाम को सुनकर, इनको देखकर, इनके चाय पीने के लिए इस दुकान पे भीड़ लगी रहती है। चिलचिलाती धूप है, सड़कों पे काफ़ी जो है धुआं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन इनके दुकान पर लोग चाय पीने के लिए इस कड़ाके की धूप में भी आ रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहब्बत में लाखों गम हो फिर भी जीना पड़ेगा, आए हो बनमनखी घूमने तो प्रेमी चाय वालों का चाय पीना ही पड़ेगा। प्रेमी चाय वाला आई लव बनमनखी, प्रेमी जोरों के लिए 10 रुपये का चाय और प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 15 रुपये की चाय। पता बस स्टैंड बनमनखी पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया में है और पूर्णिया की चाय दुकान की चर्चा, बनमनखी चाय दुकान की चर्चा खूब हो रही है। भैया लोग चिलचिलाती धूप है, गर्मी तेज है, देखिए यहाँ पे भैया थम्सअप पी रहे हैं, मैडम चाय बना रही है और इनके पति जो है जो ग्राहक आ रहे हैं दुकान पे उनको सामान दे रहे हैं। और इस दुकान में काफ़ी कुछ खाने से लेके पीने तक, पीने का मतलब चाय कॉफ़ी अन्य जो पीने का जो सामान होता है, ठंडा कॉफ़ी, तमाम तरह का चीज़ है, दालबूट है, बिस्कुट है, भुंजिया है, चॉकलेट है, तमाम जो है यहाँ पे सामान है। भैया थोड़ा ये खुलता है क्या, हम थोड़ा भैया से बात करेंगे कि इनकी चाय दुकान की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन क्या इनके दुकान का जो नाम है उसको लेकर खूब चर्चा होता, या मैडम जिस तरीके से चाय पिलाती है उस चाय की चर्चा होती है। पहले मैडम से बात करेंगे, मैम क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी, मुस्कान कुमारी आपका नाम है? हाँ। चाय दुकान का क्या नाम है? चाय दुकान का नाम प्रेमी चाय वाला है। प्रेमी चाय वाला, ये आइडिया आपने लगाई या फिर आपके पति ने कहा कि नहीं इस दुकान का नाम ये रखा जाए? नहीं, मेरा जब शादी हुआ ना तो पहले छोटा मोटा चाय का दुकान था। हाँ। तो फिर ऐसे मतलब कि लोग बोलता था कि लव मैरिज शादी किया, लव मैरिज शादी किया। फिर इसका मन में आया क्या, जब लव मैरिज शादी किया तो प्रेमी चाय वाला ही नाम रख देते हैं। फिर हम बोले इसको नहीं नहीं रखिए, मतलब फैमिली क्या बोलेगा, गाँव का आदमी रिश्तेदार क्या बोलेगा, ये बोला बोलने दो जो बोलेगा बोलेगा। लेकिन हम ये पोस्टर बनाया अपना फोन से खुद से, हम फिर भी इसको लगाने नहीं दिए। 1 जनवरी को ये जीत धर के पोस्टर बनवा के लाया, फिर उस दिन लगा दिया, फिर उस दिन से तो मेरा नाम आगे निकल गया। आगे आपका नाम निकल गया। हाँ। तो आप दोनों की जो शादी हुई, ये मतलब प्यार मोहब्बत में शादी हुई, लव मैरिज शादी हुई, मम्मी पापा की रजामंदी से शादी हुई, या फिर आप लोगों ने फैसला किया कि शादी करना? नहीं नहीं, मम्मी पापा का मर्जी से हुआ। अच्छा। हाँ। लेकिन पसंद आप दोनों ने एक दूसरे को किया? पसंद तो हम दोनों एक दिन में ही किए थे, मतलब फर्स्ट बार बात की और ये बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे और हम भी बोले आपसे शादी करेंगे। आपने हाँ कैसे भर दिया? ऐसा पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, हम फर्स्ट बार जीवन में इससे ही बात किए थे, इससे पहले किसी से नहीं करते, बस पढ़ाई पे फोकस था मेरा। पर ये हमको कॉल किया ना तो बोला हम तुमसे शादी करेंगे और हम भी बोल दिए कि हम भी आपसे शादी करेंगे, बस इतने ठो है। बिना देखे या बातचीत किए हुए? नहीं, इसको तो देखते थे, ये पहले इसका मौसी का घर है मेरे घर के बगल में, ये जाता आता था तो हम भी इसको देखते थे, ये भी हमको देखते। पूरा 2 साल तक बात भी की, उसके बाद शादी हुआ। शादी यानी देखा सुने का जो सिलसिला था वो 2 साल तक? हाँ, 2 साल तक चला, बात भी हुआ बहुत। फिर मम्मी पापा भी घर में जान गया धीरे धीरे, तो मम्मी पापा बोला कि तुरा तुमसे शादी करेगा जो तुम बात कर रही है, तो हम बोले हाँ करेगा। फिर इससे मेरी मम्मी पापा बात किया, इसका मम्मी पापा से हम बात की है, तो इसका मम्मी पापा भी राजी हुआ, मेरा मम्मी पापा भी। तो जानबे करते हैं लव मैरिज में जल्दी जो है ना तिलक कम मिलता है, तो मेरा पापा भी बीमार था, तो हम बोले इसको तिलक नहीं देंगे, मतलब इसका मम्मी पापा बोला कि पहले नहीं हम तिलक नहीं लेंगे, तो हम बोले ठीक है फिर शादी कर लेंगे। लेकिन जब शादी का टाइम आया ना तो इसका मम्मी पापा बोला कि 2 लाख रुपया तिलक लेंगे, एगो गाड़ी लेंगे। हाँ। तो हम बोले शादी कैंसिल कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, इसके पास आए से मिलने, ये हाथ काटने का मतलब कि लड़का नहीं होता, हाथ काटने का बहाना कर काट लेता है। ये दूसरा का लोड करके लगा दिया, खुद का हाथ नहीं काटा हुआ था, आपको ठगने के। हाँ, दूसरा का लगा दिया, फिर हमको डर हो गया। मेरी मम्मी बोली कि जो तू एक बार देख के या, फिर हम अपना भाई को लेके यहाँ इसके पास आए, पहले यहाँ पे भी दुकान था, पहले बहुत छोटा सा दुकान था, आए तो देखे नहीं काटा हुआ था। ये हमको कुमार में ही बोला कि तुमको रहना पड़ेगा आज मेरे यहाँ। देखिए कुमार में कोई भी लड़की नहीं रह सकती है लड़का के पास, कोई भी हो, वही हम बोले कि नहीं हम नहीं रहेंगे आपके पास। उसी दिन क्या बोला, अगर नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं शादी कैंसिल कर दो, नहीं करेंगे शादी, बोले ठीक है कैंसिल कर दीजिए। फिर थोड़ा देर के फोन के बाद क्या बोलता है, अब तिलक देगा तुम्हारा मम्मी पापा भी शादी करेंगे, नहीं तो तुमसे नहीं करेंगे। हम बोले तिलक नहीं देगा, आपको करना है तो कीजिए, ना तो फिर कोई बात नहीं है।
अभी आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसा? अभी तो भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है, अब आगे देखिए। आगे देखिए, और आपकी फैमिली और जो आपके हस्बैंड उनके फैमिली का जो प्यार मोहब्बत है वो अभी किस तरीके से चल रहा है? वो तो अभी सही चल रहा है, जिस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम तो फिर दिक्कत था, अब सही चल रहा है। अब शादी वगैरह करके आप लोग अच्छे से रह रहे हैं? हाँ, अब तो बहुत अच्छा से रह रहे हैं। अपनी पढ़ाई कहाँ पे? हम मैट्रिक तक। अब मैट्रिक तक? आपके हस्बैंड? इसका इंटर कम्प्लीट है। आपका मैट्रिक और भाई का आपके हस्बैंड का इंटर? हाँ। तो चाय दुकान का जो आपने नाम रखा है, और भी कुछ नाम रख सकते थे, यही आइडिया क्यों आया कि इसी ये नाम रखा जाए? ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि हम दोनों लव मैरिज शादी किए थे। ऐसे कभी मजाक में हम दोनों भी प्रेमी प्रेमिका बोल देते थे, तो ये सोचा कि जब लव मैरिज किए तो उसका नाम ही प्रेमी चाय वाला रख देते हैं, इसीलिए आप लोग ने ये फैसला। हाँ। तो शादी से पहले आपके हस्बैंड क्या करते? कुछ भी नहीं, बस इधर उधर बाहर भीतर ऐसे करते थे। और शादी के बाद आप लोग मिलके एक चाय दुकान का जो है अपना खोल के ये नाम रख लिए? हाँ। अच्छा, मम्मी पापा फैमिली के लोग अब कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? कुछ दिन तो नहीं किया लेकिन अब पूरा कर रहा है सब। अच्छा।